सोलन के राजघाट रोड पर एक निजी घर में करीबन 12 वर्षीय युवक से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। शहर के जागरूक व्यक्ति ने इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी और संस्था द्वारा इसकी सूचना श्रम विभाग को दी, जिन्होंने जाल बिछाकर घर पर रेड की और घर के मालिक को बच्चे से झाड़ू पोछा करवाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल बालक, जिसकी उम्र महज 12 से 14 वर्ष के भीतर बताई जा रही है, वह बिहार का बताया जा रहा है, जिसके माँ बाप बिहार में ही रहते हैं। अब ये सोलन कैसे पहुंचा और किस एजेंट या रिश्तेदार ने इसे यहाँ पे पहुंचाया, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बालक की उम्र बहुत कम है, जो कि बिहार का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो ये बालक पोछा लगा रहा था, जिस पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और मौके से बालक को रेस्क्यू करवाया गया। उन्होंने बताया कि बालक का मेडिकल करवाया जा रहा है, साथ ही बाल मजदूरी करवा रहे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मार्को चाइल्ड लाइन, जो चाइल्ड लाइन सोलन को एक कंप्लेंट आई थी, तो उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट को और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पुलिस को सूचित किया, जिसके तहत आज ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन किया हमने। और उसमें जब हम बच्चे को देखने गए तो वो बच्चा हमारे को ना काम करते हुए मिला। बच्चा का अभी काफ़ी छोटा बच्चा था और उसका हमने अभी हॉस्पिटल में मेडिकल करवा रहे हैं। फिर उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वगैरह को के सामने प्रस्तुत करके उस बच्चे को आगे उसके पेरेंट्स को या फिर कहीं उसको जो शिशु गृह वगैरह है वहाँ पर भेज देंगे और एज़ पर लॉ जो कार्रवाई होगी वो करेंगे।